गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 11.1, क्लास 8। ठीक है, आठवीं क्लास की हम 11.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे मेंसुरेशन चैप्टर में से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, कल इसकी कुछ फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सेट्रा, वो आपको आने चाहिए जो आप जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। तो एक लिस्ट बना के एक ऐसे चार्ट पेपर पे आप सारे फॉर्मूलाज लिख के अपने पास रखिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरिमीटर। देखिए, एक स्क्वायर है इसमें और एक रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इनका सेम पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर सेम है। तो पूछ रहे हैं विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, तो एरिया किसका लार्ज होगा। पेरीमीटर और एरिया के अंदर आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं समझो कि आप ये देख रहे हैं, जो यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ इसका पेरीमीटर निकाल, अगर हम इसकी बाउंड्री कर ली, अब हम इसके दो तरीके से देखते हैं। समझो कि आपका खेत है या आपकी ज़मीन है, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इसकी आपको बाउंड्री करनी है, क्या फेंसिंग करनी है, तो बाउंड्री हम बीच में करेंगे, साइड साइड में करेंगे, साइड में करेंगे बाउंड्री, तो बाउंड्री का मतलब होता है एकदम साइड साइड। तो जब हम बाउंड्री करेंगे तो बाउंड्री हमारी जाएगी इस तरीके से, यहाँ से यहाँ, ये और ये, तो बाउंड्री में मतलब सिर्फ ये लेंथ काउंट करेंगे, ये लेंथ, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली। ठीक है, समझो कि ये फिगर मैं एक और नया ले लेता हूँ यहाँ पर, समझो कि एक फिगर है, ठीक है, इसकी ये लेंथ है 2 और ये ब्रेथ है इसकी 3 और इसको आप 6 ले लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल है तो लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो समझो ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल है तो ये 6 है तो ये भी 6 हुई, ये 3 है तो ये भी 3 हुई। तो अगर इसका अपने को निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब होता है इसकी बाउंड्री, बाउंड्री, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी बाउंड्री ये, ये, ये और ये, इनको काउंट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो कितना हुआ, 6 हुआ ना, 6, फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो कितना हुआ, 3, फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो हुआ फिर से 6, फिर हम यहाँ से जब वापस ऊपर गए तो हुआ 3। तो यानी कि इसकी सारी साइड्स को प्लस कर दिया हमने, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 6, 18, तो इसका जो पेरीमीटर रहेगा वो 18 सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया गया यूनिट, ये हुआ पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसी का, समझो कि यही रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, सेम रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, ये है 6 और ये है 3, सेम डायमेंशन वाला। ठीक है, अब हमें इसके अंदर टाइल्स लगानी है, क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है। समझो ये आपका रूम है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ब्रेथ है 3 मीटर, अब इसके अंदर टाइल्स लगानी है, तो टाइल्स कहाँ, साइड साइड में लगाएंगे, पूरे रूम में लगाएंगे, पूरे रूम में लगेंगे ना टाइल्स, तो समझो हम टाइल्स कहाँ लगाएंगे, ये पूरे रूम में। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका पूरा एरिया, तो टाइल्स समझो कि हमने ये टाइल्स लगा दी, तो टाइल्स लगाने के लिए इसका पूरा एरिया, एरिया मतलब होता है अंदर की जगह और पेरीमीटर होता है सिर्फ बाउंड्री, बाउंड्री। ठीक है, अब एरिया कैसे निकलेगा, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ है 6, ब्रेथ है 3, 6 × 3 = 18। ठीक है, ये हो गया इसका एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर में हम प्लस करते हैं, उसके फॉर्मूलाज भी दिए जाते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l + b, ये है इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर देखिए, लेंथ है अपना 6, ब्रेथ है अपना 3, 6 × 3 कितना होगा, 9, 9 × 2 = 18, तो फिर से आंसर हमारा 18 ही आएगा। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास कुछ आपको याद करने हैं, उसके बाद ये सब क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करें बस। तो पहला सब जो आप देख रहे हैं उसमें क्या बोला गया, उन्होंने पूछा है कि दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसका पेरीमीटर इसका भी सेम है, लेकिन एरिया किसका ज़्यादा है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पर 60 दी गई है, तो स्क्वायर की सारी साइड सेम ही होती है, पता है ना, स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, 60 है, ये भी 60, सारी 60 होती है, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 60 एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन 80। रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ दी है लेकिन ब्रेथ नहीं दी गई, ठीक है ना, एक ही साइड ये, इसका एरिया तो निकल आएगा क्योंकि सारी सेम होती है, लेकिन इसका एरिया नहीं निकलेगा क्योंकि आपने सामने की सेम है लेकिन ये दोनों अलग होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है उन्होंने कि इसका पेरीमीटर इसके बराबर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b, जो मैंने अभी किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद रखना है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड। सिंपली आपको बताऊं, पेरीमीटर निकालते वक्त सारी साइड्स को प्लस कर दिया जाता है, बस
अब आप देखो यहाँ पर ये 12 प्लस बी करेंगे तो भी सेम होगा, यहाँ पर साइड इंटू फोर कर दिया यानी कि इसको चार बार लिख दिया, देखो 60 सारी सेम होती है तो 60 ये 60 ये 60 ये चार बार 60 है तो 4 × 60 कर दिया, तो ये इसका फॉर्मूला। तो आप वैल्यूज पुट करो, यहाँ पर लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ है, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ है ब्रेड्थ नहीं है, तो 2 × 2 आ गया, लेंथ की जगह 80 लिख दिया क्योंकि 80 दिया हुआ, ब्रेड्थ नहीं है हमारे पास, 4 साइड इसकी 60 दी गई 60 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, अब 80 प्लस वी है और बाहर 2 है, तो 2 को पहले 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 280 जा 160, 2 × b 2b, और यहाँ पर हम करेंगे तो 4 × 60 240, ठीक है ना, 240 हुआ। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हमने देखा कि ये होगा 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240। अब हम 2b हमको निकालना है, b निकालना है ना, b की वैल्यू, तो b को यहाँ छोड़ दो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो 160 यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 240 माइनस 160, तो 2b में से 2b इज इक्वल 240 माइनस 160, 240 में से 160 गया तो बचा 80, तो 2b इज इक्वल टू 80, तो b यहाँ पर छोड़ दो, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी बी की आपके पास 40, यानी कि बी क्या मिल गया आपको 40, यानी कि इन दोनों का पैरामीटर अगर सेम है तो इसका मतलब इसका डायमेंशन होना चाहिए ये 40 और ये 80, फिर इन दोनों का पैरामीटर सेम है, ठीक है। अब हो गया, हमने पैरामीटर ढूंढ लिया, इसका साइड मिल गई, सारा हो गया। अब हमें बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है, तो एरिया का फॉर्मूला डाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, यानी कि 16 × 60 3600 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 × 40 3200 मीटर स्क्वायर, किसका ज़्यादा हुआ, स्क्वायर का ज़्यादा हुआ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्ज, दैट्स ऑल। अंडरस्टूड फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। मिसेस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, ये प्लॉट है ऐसा उनका, ठीक है, उसके बीच में उनको घर बनाना है। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले इन्होंने जो डायग्राम देख दिया है उसको देखो, अब इसकी ये 25 मीटर है लेंथ और ये भी 25 है, तो इसका मतलब इनका प्लॉट कैसा हुआ, स्क्वायर प्लॉट दिया भी हुआ स्क्वायर, यानी कि सारी साइड 25 है, ठीक है। अब 25 में से वो इतनी जगह पर घर बनाना चाहती हैं और इतनी जगह पे वो गार्डन बना रहे हैं, जो फिगर दिया इसके साथ, ठीक है, गार्डन बना रही है, यानी कि ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है 5 लिखा हुआ, ये 5 मीटर लिखा हुआ, यानी कि ये जो जगह है ये कितनी लंबी है, 5 मीटर, ये चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है, तो इधर भी 5 मीटर है, ठीक है। इस तरफ आप देख रहे हो, जब हम ऐसा करेंगे, ये लाइन आप देखो यहाँ से यहाँ तक करने ऐसे सीधा कर दिया, इसको इधर से सीधा कर दिया, तो ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, और ये पूरा कितना है, 25 मीटर है, 25 मीटर है ना, ये पूरा है 25 मीटर, तो 25 में से 5 यहाँ चला जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा, बचेगा 20 मीटर, सॉरी बचेगा तो अपना, अगर ये 25 है और ये भी 25 है तो होना तो वैसे कम चाहिए, ये 25 दिया है, ये भी 25 दिया है, तो फिगर दिखाइए ज़रा, इसमें 20 दिया हुआ है, ये 15 मीटर दिया है, राइट, ठीक है, चलो तो इन्होंने यहाँ काट दिया, तो ये अपना दिया 15 मीटर, सर यहाँ पर थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, पिक्चर क्लियर ना होने की वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया गया है, ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर, ठीक है, मतलब ये इन्होंने बोला है कि दिस इज 20 मीटर, यानी कि ये लेंथ जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज 20 ये वाला, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है 50, तो ये मेरा मिस्टेक उससे हुआ, 15 और 20, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि इतनी जगह पर उनको गार्डन बनाना है, यानी कि ये 20 और ये 5, तो इतनी जगह पर उनको गार्डन बनाना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ये 25 है, ये भी 25 है, ठीक है, लेकिन उन्होंने डायमेंशन अंदर का क्या दिया, ये 15 मीटर बताया, कितना बताया, ये 15 मीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है, ठीक है, कितना है ये, सिर्फ जितना एरो दिया है उतना 15 मीटर, जो मैंने निशान लगाए ये 15 मीटर है, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये 20 मीटर, तो 20 मीटर मतलब ये टोटल ये 2.5 मीटर और ये 2.5 मीटर, यानी कि आपको पता है ये पूरा 25 है, 25 है ना पूरा, ये पूरा 25 है, इसका मतलब अगर 25 में से ये 20 दिया गया है तो इसका मतलब 5 कम हुआ, 25 में से 20 गया तो बचा 5 मीटर, तो यानी कि ये जगह और ये जगह को मिलाकर 5 मीटर होना चाहिए, तो 5 मीटर दो जगह है मतलब 2.5 मीटर की आधी जगह होगी, कितने कितने मीटर की, ध्यान पूरा दीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वैसे, पर ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, नथिंग वरी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा डायमेंशन को,
अब ये देखो जहां तक एरो है ना बेटा, एरो कहां तक है? यहां तक है, ठीक है। ये यहां तक तीर दिख रहा है ना आपको, ये वाले तीर की बात कर रहा हूं। यानी कि ये एरिया 20 है, कितना है ये 20, ठीक है। तो पूरा कितना है वैसे 25, क्योंकि यहां 25 है, देखो स्क्वायर का ये 25 है, तो ये भी पूरा 25 होगा ना। तो इतना 20 मिल गया, तो मतलब 5 कम पड़ रहा है, तो मतलब ये जगह और ये जगह मिलाएंगे तो 25 हो जाना चाहिए। तो अगर हम ढाई इधर ले लें 2.5 और 2.5 हम उधर ले लें, तो ढाई ढाई 5 हो गया, तो 20 ये और 5 ये 25, तो पूरा 25 हो गया, ठीक है। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर होगी, यही होगी ना सेम चीज़। लेकिन उन्होंने यहाँ पे देखो इस जगह को भी 5 मीटर बताया, कितना है ये 5 मीटर, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ठीक है। और ये इन्होंने दिया 15 मीटर, ये कितना यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं समय, साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 25 मीटर, स्क्वायर प्लॉट का साइड कितना है 25 मीटर, एक साइड इसका 25, तो पूरे प्लॉट का एरिया कितना निकलेगा, पूरे प्लॉट का 25 × 25, यानी कि साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 25 × 25 करेंगे तो 625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर निकाला आपने, 625 मीटर स्क्वायर आया। अब लेंथ ऑफ द हाउस कितनी है, अब घर की लेंथ कितनी बताइए इन्होंने, 20 मीटर, और घर की ब्रेड्थ कितनी बताई है, 15 मीटर। यानी कि घर कितना बड़ा बना रहे हैं वो, 20 × 15 लिखा है ना, 15 × 20, ये रहा 20 मीटर और ये 15 मीटर, तो घर कितना है 20 × 15 का। तो यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, रेक्टेंगल कितना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे यानी कि 20 × 15, लेंथ टू ब्रेड्थ कितना हुआ 20 × 15, यानी कि 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने पूरे का कितना निकाला था, पूरे प्लॉट का 625 निकाला था ना ऊपर स्क्वायर का, पूरे का 625 है, उसमें से घर का है 300, तो हमने पूरे में से अगर घर का माइनस कर देंगे तो इस एरिया, ये जगह का नहीं निकलाएगा जितनी जगह पे वो गार्डन बनाने वाली है, समझ आ रही है। इस पूरे घर, पूरे प्लॉट में से अगर हम घर को माइनस कर देंगे तो जो जगह बचेगी उसका एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो पूरे प्लॉट का एरिया 625 है, घर का एरिया 300 है, 625 में 300 किया तो बचा 325 मीटर स्क्वायर, तो यानी कि इतनी जगह पर वो गार्डन बनाने वाली है। सिंपल बात है कि ये आपकी जगह है, इतनी जगह पर आपको घर बनाना है, तो आपको कैसे निकालोगे, समझो कि ये जगह का हम नाम देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम देते हैं एक्स, और ये पूरी जगह जो है कंप्लीट जगह उसको हम बोलते हैं एल। तो आपको निकालना है ए निकालना है, तो क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे, एल मतलब पूरे का, फिर हम निकाल लेंगे एक्स, एल के बाद हम निकालेंगे एक्स, तो एल में से एक्स को माइनस कर दो तो आपको ये जगह मिल जाएगी ए वाली, एल में से एक्स माइनस किया तो ये मिल जाएगा। तो वैसे ही हमने यहाँ किया कि पूरा जो एरिया है वो निकाल लिया, उसमें से फिर घर निकाल लिया, घर के एरिया निकालने के बाद हमने जो बचा वो हमारे प्लॉट का एरिया मिल गया, जो जहाँ पे वो खेत बनाने वाली है यानी गार्डन बनाने, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि उसका कॉस्ट कितना आएगा, पर स्क्वायर मीटर के 55 रुपये हैं, तो 325 मीटर स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर मीटर के 55 रुपये हैं, तो 325 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 17875 रुपये उसके लगने वाले हैं। इस तरह के सम्स में आपको ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ आगे, कुछ भी डाउट हो आप आगे पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड, ऐसा है भाई, ये बीच में से रेक्टेंगल है, दिख रहा है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक कि रेक्टेंगल दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये देखो ये रेक्टेंगल है यहाँ तक, है ना, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और साइड में से सेमी सर्कल है, आधा सर्कल नहीं दिख रहे, सेमी सर्कल है ना ये, आधा सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, अब इस गार्डन का आपको एरिया भी निकालना है और पेरीमीटर भी निकालना है, एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज़ें निकालनी है। लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20, इसकी लेंथ 20 दी गई है और ये दिया गया है 7, ठीक है, समझ आ गई बात, कितना कुछ दिया गया, तो अपने को निकालना क्या है, एरिया ऑफ, एरिया और पेरीमीटर दोनों गार्डन का। तो टोटल लेंथ कितनी है, यहां से 20 मीटर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 7 मीटर, इन्होंने यहां पर दिया गया है, इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, 20 में से, हाँ इसका मतलब इन्होंने कहने के, देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड थोड़े थोड़े आएंगे तो आपको समझना है क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब यहां से यहां तक ये कितनी है, इजिकल टू 20 माइनस 3.5 मीटर,
मतलब अगर देखो, अगर हम ये पूरी लेंथ यानी कि यहां से लेके यहां तक, यानी कि इस कोने से लेके इस कोने तक जो लेंथ है वो दी गई है 20, ठीक है। तो अगर हमें रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल तो यहां तक ही है ना, तो अगर हमें इतनी लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे, इतनी लेंथ माइनस करेंगे इसमें से। देखो हमें चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो इतना चाहिए तो हम ये गोला जो है इतना जितना मैंने बीच में लाया इतना माइनस कर देंगे उसमें से। तो उसका माइनस करने के लिए हमें सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, ये है कितना। हमको तो इन्होंने बोला है 3.5 प्लस 3.5, यानी कि ये 3.5 है और ये भी 3.5 है, तो इसका मतलब कितनी हो गई, 7 हो गई। 3.5 प्लस 3.5 7 हो गई। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस निकालेंगे, ये तो होगा डायमीटर उसका, यानी कि अगर हम आधा सर्कल इधर वाला, ये वाला आधा था ना इस तरफ वाला, और इधर वाला, मैं इधर वाला भी ले आऊँ इसके पास और इन दोनों को जोड़ दूँ, तो क्या बन गया, सर्कल बन गया ना पूरा। तो सर्कल का यानी कि ये पूरा जो है ये 7 मीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि 3.5 मीटर होगा इसका रेडियस, 3.5। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ कितना है, 20 माइनस 3.5 3.5, यानी कि 7 माइनस कर दो तो 13 मीटर। इसका मतलब जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी जो लेंथ है ये है 13, और ये जो हिस्सा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का ये है 3.5, और इस तरफ भी अगर हम इसी हिस्से की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये है 3.5, ठीक है। तो ये 20 में से इसको माइनस किया तो हो गया 13। अब 13 ये 3.5 ये 3.5 3.5 ठीक है। अब क्या करेंगे, लेंथ हमको मिल गई, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 7, ब्रेथ उन्होंने 7 दे रखी है पीछे, हाँ ये देखो ब्रेथ तो दे रखी है 7, ये पूरी 7 दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हो कि ये जो सर्कल है, सपोज मैं इसको सर्कल बना दूँ, ये सर्कल बन गया, सर्कल बन गया। अब सर्कल की समझो कि ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लगी है ये कितनी है, 7 है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस ही हुआ ना, सॉरी डायमीटर हुआ ना, ये इस सर्कल का डायमीटर हुआ। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको डायमीटर कहते हैं, तो इसको आधा कर दो कितना होगा 3.5, यानी कि ये उसका रेडियस हो गया। तो उस प्रकार से हमको रेडियस मिल गया। अब लेंथ हमको मिल गई है रेक्टेंगुलर फील्ड की 13, और उसकी ब्रेड्थ होती है 7, 13 और 7। अब एरिया निकाल लो, एल इंटू बी होता है, 13 इंटू 7 91 मीटर उसके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया हमको 91। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे, सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल जो है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई, इसको बोलते हैं पाई, जो आप सिंपल देख रहे हो इसको पाई बोलते हैं, आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है इसका 3.5, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7, क्या होती है 22/7, यहाँ देख रहे हो ना लिखा है 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। लेकिन वो ये पूरे सर्कल का होता है, लेकिन हमारा सर्कल पूरा है क्या, आधा है, आधा है, तो आधा है तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे 1/2 कर देंगे बस, कोई भी चीज़ पूरी दी गई है उसका आधा निकालना, तो आधा करना, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो गए। अब कितने आधे सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर कितने आधे सर्कल हैं, दो है ना, एक इस तरफ है और एक आधा इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सर्कल का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमारे पास पूरा सर्कल नहीं, आधा है, समझते हैं इसको, हमने इसको आधा कर दिया। अब आधे आधे हमारे पास कितने, दो है, तो इंटू टू कर दो बस, तो यही किया गया, देखो 2 × 1/2 × π, पाई की वैल्यू 22/7 × r² मतलब 3.5 × 3.5 मतलब उसका रेडियस है, स्क्वायर का मतलब तो उसको दो बार लिख दो, तो दो बार लिख दिया। अब आपका आंसर इसको काट के आप ले सकते हो, इसको आराम से आप काट दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 7 इधर पॉइंट खत्म करने के लिए आप नीचे 10 लगा दो, तो 35 35 हो जाएगा, यहाँ भी 10 लगा दो, नीचे पॉइंट खत्म हो गया, तो 7 × 5 = 35, ये 5 आ गया। फिर 5 को 10 से काट दो, 5 × 2 = 10, फिर 2 को इससे काट दो 11, तो 11 × 3.5, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 11 × 3.5, ये सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है। 11 × 3.5 जो आंसर आए उसको डिवाइड कर देना है अपने को 10 से, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आपका 3.5 नहीं सॉरी 35, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो सकता है, 3.5 जो है ये 5 7 और 5 2, ठीक है। तो यहाँ पर 11 7 77 हो गया आपका, 11 7 77 और डिवाइडेड बाय 2, 77 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 3 6 51 7 17 2 8 16।
16, बचा एक, जीरो लगाया, 2 5 10.5, तो 38.5 ये आंसर आ गया, आ गया ना 38.5, आ गया, तो ये आंसर आपका आ गया। अब ये निकाला हमने दो सेमी सर्कल्स का एरिया, तो गार्डन का एरिया कितना है, गार्डन में पहले हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, अब हमने सर्कल का निकाला, तो उसका पूरे का एरिया निकालना है, हमने इसका एरिया निकाल लिया है अलग से और इसका एरिया निकाल लिया दोनों का, अब इनको प्लस कर दो फिर ही पूरे का एरिया आएगा, तो 91 उसका है और 38.5 ये हमने निकाला सर्कल्स का, इन दोनों को प्लस किया तो मिला 129.5 मीटर स्क्वायर। पैरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स, अब हमने एरिया तो निकाल दिया, अब पैरीमीटर भी पूछा हमने, सेमी सर्कल का पैरीमीटर होता है पाई आर, 2 पाई आर उसका, ठीक है, तो दो सेमी सर्कल यहां पर कितने हैं हमारे पास, दो है, ठीक है, तो दो है तो हमने लिख दिया 2 पाई आर, पाई आर होता है लेकिन उसका दो है सेमी सर्कल जैसे 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर, 2 × π की वैल्यू 22/7 × 3.5, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22 मीटर। पेरीमीटर ऑफ गार्ड रेक्टेंगल की बात करें तो ये तो हमने निकाल लिया 22 आ गया, ठीक है, और उधर हमारे पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हुआ, पूरे गार्डन की अगर बात करें, ये हमने सर्कल का निकाल दिया और रेक्टेंगल का हमने पीछे निकाला था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये रहा, ये तो एरिया था, लेकिन उसका अगर हम निकालने जाएं तो 13 + 13 बराबर, अब देखो आप मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ये रहा हमारा गार्डन, ये ना गार्डन अपना, ठीक है। अब हमने क्या किया, पेरीमीटर दो सर्कल हमने इसका निकाल लिया और इस सेमी सर्कल का भी निकाल लिया पेरीमीटर, ये जो निकाला 22 आया ना, ये इन दोनों का पेरीमीटर है, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में ये तो आ गए दोनों, ये कितनी साइड है, साइड का ये है 13 और ये नीचे वाली साइड भी है 13, तो 13 + 13 और जो हमने इसका ये निकाला है पेरीमीटर, तो 22 पेरीमीटर सर्कल्स का है, यानी कि ये पार्ट का और ये पार्ट का है 22 और साथ में 13 और 13 ऐड कर दो तो बन जाएगा 48। अब यहाँ पर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप बोलोगे कि सर 2 पाई आर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 पाई आर लगाएंगे तो ये साइड तो पहले ही हमने इसके हिसाब से ले ली, अगर हम इसकी बात करें ये वाली साइड की, वो तो इस सर्कल में पहले ही आ गई ना, ये साइड इस सर्कल में आ गई, इसलिए हम जब हमने सर्कल का एरिया पैरीमीटर निकाला तो ये जो साइड है ये सर्कल के पैरीमीटर में यहाँ पर 22 के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, इसलिए हम बार बार इसमें 2 πr 2l + b नहीं लगाएंगे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में हमने सिर्फ क्या किया, जो साइड बची, मैंने आपको पहले बताया पैरीमीटर क्या होता है, सिर्फ उसकी बाउंड्री, ठीक है, तो हमने ये सर्कल का तो निकाल लिया पहले, हमको बाउंड्री निकाल ली, तो सर्कल की बाउंड्री हमने पहले निकाल लिया पैरीमीटर सर्कल का, अब ये जो है ये हमने ले लिया अलग, तो 13 + 13 किया, तो यहाँ पर 2l + b नहीं लगेगा, अंडरस्टूड। तो फोर्स हम जो है वो है, अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। एक फ्लोरिंग टाइल, जो टाइल लगाते हैं नीचे, उसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम, उसका बेस दिया गया है और उसकी हाइट दी गई है। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर एरिया ऑफ, तो एरिया इतना है जगह का, अब इतने एरिया को कवर करने में कितनी टाइल लगेगी, एक टाइल का डायमेंशन दिया हुआ है, उसकी बेस ये है और हाइट ये है। If required, you can split the tiles in whatever way you want to fill up the corners. अब देखते हैं हम लोग, चलो बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, अब ये हमारा आंसर, ये जो है एरिया मीटर स्क्वायर में, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 0.24 का मीटर हो जाएगा 0.24 मीटर, ठीक है, वैसे उसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर तो 0.10 मीटर हो जाएगी, हमने मीटर में चेंज किया डिवाइड, ठीक है, मीटर में चेंज किया, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर। अब एरिया, एरिया होता है फ्लोरिंग टाइल का है पैरेललोग्राम टाइल, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इनटू अल्टीट्यूड, तो बेस है 0.24, हाइट है 0.10, तो इसका आंसर आएगा 0.024 मीटर, ठीक है, एक टाइल से इतना एरिया कवर होगा। देखो ये एक समझो कि ये अपना रूम है, अब इसके अंदर अपने को टाइल्स लगानी है, ठीक है, जो भी टाइल्स हमने लगाई, तो एक टाइल से कितना एरिया कवर होगा, इतना कवर होगा, ठीक है, टोटल एरिया कितना है 1080, तो एरिया ऑफ द फ्लोर होगा टोटल ऊपर आएगा जितना एरिया, पूरा एरिया एक टाइल कितना कवर करिए 0.024, इससे डिवाइड करो तो 1080 डिवाइडेड बाय 0.024, तो टोटल टाइल्स लगेगी यहाँ पर 45,000, कितनी टाइल्स लगेगी 45,000। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, एन आंट इज मूविंग अराउंड फ्यू फूड पीसेस
ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अलग अलग तरह के शेप के जो खाने के टुकड़े हैं वो पड़े हैं नीचे, और एक आंट, एक तुम्हारी जैसी चींटी है उसके आजू बाजू दौड़ रही है। चींटी है क्या? हाथी हो तुम लोग? हाथी हो ना लाइफ। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर फ्रॉम? अब यहाँ पर जो अलग अलग तरह, देखो ए पीस ये दिए गए, दूसरा पीस ये, तीसरा ये, तो कितने किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा घूम के आने? रिमेंबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 2π। अगर आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना है तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है 2π, सर्कल के सर्कमफेरेंस के लिए, ठीक है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जहाँ पर आर जो है रेडियस है, ये हमको हिंट दिया है। तो पहला हमको दिया गया ये एक टुकड़ा ऐसा है जिसकी ये जो लेंथ दी है 2.8, दूसरा जो है वो ये 2.8 है और ये 1.5 ये लेंथ, ठीक है। वैसे ये जो आप देख रहे हो कौन टाइप में, उसमें ये जो है ये 2.8 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 2.8 है और ये साइडें हैं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें तीनों का निकालना पड़ेगा, फिर पता लगेगा किस कौन था बड़ा, ठीक है। अब पहली बात तो ये क्लियर करो कि डिस्टेंस कवर करना है, यानी कि चींटी उसको उसके डिस्टेंस कवर करना, मतलब उसके ऊपर से एक बार चक्कर लगाना है चींटी को, तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे कि पेरिमीटर निकालेंगे? जल्दी जवाब दो। एरिया, एरिया निकालेंगे। एरिया का मतलब होता है अंदर, तो चींटी इसके अंदर घुसेगी, चींटी अंदर घुसेगी उसके, बाहर से आएगी। तुम गधे हो, तुमको पता नहीं है। तो सर्कमफेरेंस का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, यानी कि उसके बाहर से सर्कमफेरेंस बाउंड्री, इसका मतलब इसकी हम बाउंड्री निकालेंगे, यानी कि इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया भी गया क्वेश्चन के अंदर, तुमको इतना भी नहीं पता है, इतना भी नहीं समझ में आता, सेवन तक कुछ पढ़ाई नहीं करोगे फिर यही होगा बेटा। चलिए फर्स्ट वाला फिगर देखते हैं, पहले वाले की बात करते हैं। रेडियस दिया गया है, सॉरी डायमीटर दिया है 2.8, क्योंकि अगर हम इसको पूरा सर्कल माने, अगर हम इधर से इसको ज्वाइन कर दूँ ऐसे, तो एक सर्कल बन गया, तो सर्कल का ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा कर देंगे रेडियस हो जाएगा, यानी कि रेडियस होगा 1.4 डिवाइड किया 2 से आधा करके। अब ये बन गया सर्कल का रेडियस, लेकिन हमारे पास आधा सर्कल है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है पाई आर, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 1.4, तो मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आंसर आएगा 4.4 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आंट इज इक्वल सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। अब आंट जो है वो कितना एरिया कवर करेगी? पहले तो आंट क्या करेगी वो चींटी, वो यहाँ से देखो चींटी क्या करेगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की बाउंड्री निकाली हमने, तो इतना तो आ गया 4.4, और साथ में ये भी तो आएगा, ये है 2.8, तो 4.4 प्लस 2.8 हो गया 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका चक्कर लगाना है, तो मतलब पहले चींटी यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर तो 7.2 मीटर हो गया। कैसे आया समझ आया? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल मतलब सिर्फ सर्कल की ये बाउंड्री निकली है, और फिर हमें डायमीटर भी जोड़ना पड़ेगा उसमें, अंडरस्टूड। अब दूसरा फिगर ले लो, दूसरा फिगर आप देख रहे हो तो डायमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल इज 2.8। अब यहाँ पर भी ये सेमी सर्कल बन गया, तो इसका डायमीटर 2.8 दिया है, इसका हमने रेडियस 1.4 हो गया, और इसका सर्कमफेरेंस फिर पिछले की तरह 4.4 हो गया, क्योंकि डायमीटर सेम है, तो 4.4 इसका सर्कमफेरेंस हो गया। अब 4.4 सर्कमफेरेंस मतलब उसको यहाँ से यहाँ जाने में 1.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, कितना 1.4, इसको रब करके देखें नीचे कुछ और तो नहीं, हाँ सिर्फ इतना है, देख लो इतना, ये 1.4 है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो 1.4 सेंटीमीटर हुआ, कितना सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं इतने की, यहाँ से यहाँ की ये 1.4 हुआ, जैसे हमने यहाँ निकाला था 1.4 गोलाई, अब 1.4 तो ये हुआ, समझे बात। लेकिन वो यहाँ से यहाँ भी तो जाएगी, जितना ये है उतना ही साइड ये है, ये भी 1.5 ही है। अब ये कितना है? ये 2.8 है, 2.8 दिया गया ना, तो इसका मतलब हमने जो निकाला 4.4 उसके अंदर 1.5, यानी कि ये वाली साइड, फिर हमने उसमें 2.8 यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड कितनी हुई 2.8, कहाँ से पता लगा? यहाँ से, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2.8, और तीसरा फिर वो वापस आई, यानी कि 1.5, इनको प्लस करेंगे तो होगा 10.2 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब तीसरा फिगर लेते हैं हम, ये आइसक्रीम वाला कौन जो होता है वैसा, ठीक है। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो सेमी सर्कल बन गया, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर ये देखोगे तो क्या बन गया, सेमी सर्कल,
ठीक है, और सेमी सर्कल का रेडियस है 2.8, तो इसका मतलब सॉरी डायमीटर 2.8 है, तो फिर रेडियस 1.4 होगा, तो मतलब इसका सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस रहेगा 4.4, ये तीनों भी सेम आएगा क्योंकि इन्होंने सेम किया। ठीक है, यहाँ भी देखो 4.4 है, यहाँ भी 4.4 आया, यहाँ भी 4.4, क्योंकि रेडियस जो डायमीटर जो है 2.8 ही है हर जगह। ठीक है, अब हमने ये तो निकाल दिया, निकाल दिया इतना। अब इसने चींटी जब ऊपर से यहाँ से घूम के, चींटी यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गई है, लेकिन ये बाकी भी तो कवर करना है। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, कितना ही 2, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी ये कितना है, ये भी 2 है, यानी कि 2 + 2 4.4, तो टोटल कितना हो गया 8.4। अब हम देख रहे हैं कि पहले का हमको मिला था 7.2, दूसरे का 10.2 और तीसरे का 8.4, सबसे बड़ा कौन सा, बी वाला, तो बी वाले फुट पीस में उसको सबसे ज़्यादा समय लगेगा। अंडरस्टूड द क्वेश्चन? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट। अब हम 11.2 जो है वो अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय।